ये हैं भारत के वो पांच मुसलमान जिनकी दौलत के आगे सब फीके पड़ते हैं। प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स के सर्वे के मुताबिक ये मुसलमान इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपने घर बुला सकते हैं। इन सभी मुसलमानों को दुनिया के सभी देश अपनी नागरिकता देने की इच्छा जता चुके हैं। भारत के सबसे अमीर मुसलमान की लिस्ट में सबसे पहला नाम अजीम प्रेम जी का आता है। अजीम प्रेम जी दुनिया की मशहूर IT कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं। वर्तमान में अजीम प्रेम जी के पास $19 बिलियन से अधिक की धनराशि है और ये सबसे ज्यादा दान देने वाले भारतीय हैं। अजीम प्रेम जी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। अगर अजीम प्रेम जी अपना पूरा पैसा खर्च करना चाहें तो इन्हें 500 साल तक हर दिन 1 करोड़ रुपया खर्च करना होगा। ये वर्तमान में दुनिया के 20वें सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े अजीम प्रेम जी को पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड दिए जा चुके हैं। इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और IBM जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी सेवाएं देती है। भारत के सबसे अमीर मुसलमान की लिस्ट में दूसरा नाम यूसुफ अली का आता है। यूसुफ अली दुनिया की प्रसिद्ध लूलू इंटरनेशनल ग्रुप के मालिक हैं। ये कंपनी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिटेल मार्केटिंग कंपनी है। वर्तमान में गल्फ देशों में इसके 150 से भी अधिक आउटलेट्स हैं। यूसुफ अली के दुनिया भर में कई होटल और शॉपिंग मॉल चलते हैं। भारत और मलेशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल यूसुफ अली का ही है। वर्तमान में यूसुफ अली के पास $5.2 बिलियन की धनराशि है। यूसुफ अली अरब देशों में व्यापार करने वाले भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनका खुद का अपना बैंक है। इन्हें भारत सरकार पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। प्रसिद्ध दवाई निर्माता कंपनी सिप्ला के मालिक ख्वाजा यूसुफ हमीद भारत के 30वें सबसे अमीर मुसलमान हैं। यूसुफ हमीद HIV/AIDS और अस्थमा का प्रारंभिक इलाज खोजने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक भी हैं। वर्तमान में यूसुफ हमीद के पास $2.7 बिलियन से अधिक की धनराशि है। इनकी कंपनी सिप्ला भारत की 42वीं सबसे बड़ी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी को भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांड का अवार्ड भी मिल चुका है। यूसुफ हमीद के पास इतना पैसा है कि ये हवाई जहाज बनाने वाली कई कंपनी खोल सकते हैं। यूसुफ हमीद को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के सबसे अमीर मुसलमान की लिस्ट में चौथा नाम केरल में जन्मे आजाद मोपेन का आता है। आजाद दुनिया के प्रसिद्ध एस्टर DM हेल्थ केयर के संस्थापक हैं। दुनिया भर में इनके 200 से भी अधिक अस्पताल और मेडिकल सेंटर चलते हैं। वर्तमान में आजाद के पास $1.4 बिलियन से अधिक की धनराशि है और इनके अंडर में विभिन्न देशों के 15,000 डॉक्टर काम करते हैं। आजाद के पास इतना पैसा है कि वो खुद अपनी वैज्ञानिक लेबोरेटरी चला रहे हैं। ये लेबोरेटरी दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरियों में से एक है। आजाद को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री एवं भारतीय प्रवासी सम्मान दिया जा चुका है। इन्हें सरकार भारत के सबसे बेहतरीन डॉक्टर का अवार्ड भी दे चुकी है। भारत के सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में पांचवा नाम हाबील खोड़कीवाला का आता है। हाबील भारत के प्रसिद्ध दवाई निर्माता कंपनी वॉकहार्ड के संस्थापक हैं। 1967 में स्थापित की गई ये कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी जेनेरिक दवाइयों को बनाने वाली कंपनी है। वर्तमान में हाबील के पास $1.3 बिलियन से अधिक की धनराशि है। अगर हाबील अपना पूरा रुपया खर्च करना चाहें तो इन्हें 500 साल तक हर दिन 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। हाबील की कंपनी द्वारा बनाई गई दवाओं से अब तक 10 करोड़ लोगों की जानें बच चुकी हैं। इन सब के अलावा भारत में आज सैकड़ों ऐसे मुसलमान हैं जो अपने खून पसीने की कमाई से इस देश की अर्थव्यवस्था संभाले हुए हैं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।